सो अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा न्यू ब्लॉग है धारावी छह युवराज और सब कुछ एक्सप्लोर करने वाले। आज पूरी गणपति धारावी में बैठ जाएगी, बड़ी बड़ी गणपति हमें पूरी कवर करने वाला, और सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव होगी वो सब गणपति कवर करने वाला हूँ। कुछ गणपति मैं कवर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि गाइस पूरा कवर करने जाऊँगा ना तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, तो जिसका कवर ना कर पाओ तो प्लीज़ गुस्सा मत होना, और अगर नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर करूँगा। और गाइस डेकोरेशन देखते हैं किसका सबसे ज़्यादा अच्छा आएगा। ये मेरा मंडल है, रात को जाने वाला हूँ, तो मिलता हूँ मेरे न्यू ब्लॉग अभी रात के टाइम पे। ट्रांसिट कैम्प 90 फीट रोड, कुंभरवाड़ा, माही और मुकुंद नगर, गोल्डफील्ड, देन खंबा देवी, होली मैदान साइड, ये सब कवर करने वाला हूँ आज पूरा ब्लॉग देखो। ये है एरिक बॉयज का एंट्रेंस गाइस, यहाँ से अंदर तक पूरा डेकोरेशन है लाइटनिंग से लेके यहाँ पर देखो ये सेकेंड गेट, यहाँ पर एंट्रेंस में हम लोग ने किला बनाया है और दो गार्ड भी रखे, और ये पूरा हमारा धारावी छह युवराज का अंदर से जगह थोड़ी और बड़ा रहता था ना गाइस, बहुत मज़ा आता था। सो गाइस धारावी छह युवराज अभी तक का सबसे तगड़ा डेकोरेशन हुआ, जहाँ तक अभी तक देखा मैंने देखा है सबसे तगड़ा डेकोरेशन यहाँ पर हुआ, जैसे मैंने स्टार्टिंग से दिखाया। और 25th ईयर सेलिब्रेशन है ना आदि भाई, 25th ईयर सेलिब्रेशन धारावी छह युवराज, सबका मैं पेज मेंशन करूँगा, जाके फॉलो कर लो। और ये स्पेशली मेरा मंडल है, और एक मंडल है मेरा, वो भी दिखाऊँगा, वो लास्ट में दिखाऊँगा, पहले ये धारावी छह युवराज। तो गाइस ट्रांसिट कैम्प 7 नंबर ब्लॉक धारावी छह इच्छा पूर्ति, धारावी छह इच्छा पूर्ति। ये है धारावी छह इच्छा पूर्ति, सिल्वर गणपति, चांदी की गणपति बिठाई जाती है यहाँ पर बहुत टाइम से गाइस। ये देखो पूरा चांदी धारावी छह इच्छा पूर्ति, अभी डेकोरेशन इनका हुआ नहीं है। और धारावी में बहुत सारी गणपतियाँ बिठाई तो जाती है पर डेकोरेशन ज़्यादा नहीं किया जाता है, बट गाइस ये बहुत पुराने टाइम से। और ये है अपना धारावी धोबी घाट धर्मशाला के यहाँ पर, फिर यहाँ पर धारावी ट्रांसिट कैंप मार्केट साइड धारावी छह श्री, ये धारावी छह श्री गाइस जो आपको धारावी ट्रांसिट कैंप मार्केट धोबी घाट मार्केट साइड में दिख जाएगा। धारावी छह श्री 24 ईयर्स हुआ है, 24 ईयर्स धारावी किला वगैरह साइड में बिठाया जाता है, 24 ईयर्स हुआ है, नेक्स्ट ईयर इनका 25 ईयर होगा। ये देखो राम भगवान के टाइप में इन्होंने बिठाया, और इसका कुछ 18 फीट का है, 18 फीट टू 19 फीट तक का होगा। मंडल का नाम क्या भाई, किधर का, केले मार्केट से हमारे बालू मामा होता है, कितना साल हुआ, 25 ऑलमोस्ट सबका 25 साल हुआ आदि भाई। तो गाइस अब केला बगर से साइन में आके पेट्रोल डाल लेते हैं, मैं 1 लीटर डाल लूँगा क्योंकि अभी और भी बहुत सारा गणपति बप्पा को हमें कवर करना है धारावी के। तो 1 लीटर भराने के बाद मैं आ गया यहाँ पर कुंभरवाड़ा, ये कुंभरवाड़ा जो 60 फीट के राइट साइड पे आता है ये रोड, और ये बिल्डिंग के अंदर बिठाते हैं सुभाष नगर छ गणराज नहीं सुखगर दे। मंडल का नाम क्या, सुभाष नगर सोसाइटी, इसका कुछ नाम है। सो गाइस यहाँ से स्टार्ट कर दे पूरा धारावी 90 फीट रोड कवर करेंगे अब, यहाँ से पूरा धारावी 90 फीट, और ये है 60 फीट के साइड से गाइस, 65 साइड से हमने कवर किया धारावी छह धूम्रवर्ण, इसका गाइस 37 ईयर्स हुआ है। सो गाइस ये कामराज स्कूल जस्ट सामने आपको मिलेगा, और भी था VOC टावर के अंदर बट उसमें ने कवर नहीं किया, बंद था इसलिए। अभी हम जाते हैं यहाँ से और पूरा 90 फीट कवर करेंगे गाइस। सो ये है धारावी छह गणराज जो आपको 90 फीट रोड पे देखने मिलेगा सुदर्शन होटल के ठीक सामने। भाई बहुत प्यारी मूर्ति है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फेस दे रहा है गाइस। 25th ईयर सेलिब्रेशन एंड अभी 90 फीट पूरा कवर करने वाले, उसके बाद ट्रांसिट का हम फिर कुंभरवाड़ा और बहुत कुछ है, पूरा ब्लॉग देखो। बेरिंग लगता है बोलने के। सो गाइस 90 फीट की तीसरी गणपति, हम लोग तो 60 फीट से आए, और ये है जॉली फ्रेंड्स का, वो टाइम से ही
ये है जोली फ्रेंड्स की गणपति, जो कि धारावी में अभी तक की सबसे बड़ी गणपति बिठाई गई है। ये भी गणपति आपको 90 फीट रोड में ही देखते मिलेगा, ट्रांसिट कैंप के सामने, धारावी 90 फीट रोड से विघ्नहर्ता राइज। ये आपको ठीक पुलिस स्टेशन के सामने देखने मिलेगा, वल्लभ बिल्डिंग के नीचे। बहुत प्यारी गणपति बिठाया इन्होंने, प्रतीक्षा नगर से लाया और डेकोरेशन भी अच्छा किया। देन ये है धारावी 90 फीट का गणराज। ये देखो यार 90 फीट रोड पूरा खाली हो चुका है और मैं अभी शूट कर रहा हूँ, बस डेकोरेशन में मात को दूँ। उसके बाद ये है लैंडिंग पॉइंट ऑफ 90 फीट रोड जो साइंस स्टेशन की तरफ आता है। और गाइस धारावी का महागणपति का कुछ 50 ईयर्स कम्प्लीट हो चुका है, 50 ईयर्स कम्प्लीटेड इन्होंने लिखा है। डेकोरेशन इन लोगों ने सिंपल एंड क्लासिक रखा है, बाहर लाइटनिंग और बैनर लगा है। ये आपको 90 फीट एंडिंग पॉइंट खंबा देवी साइड में देखते मिलेगा, स्टेशन के साइड पे, साइंस स्टेशन के साइड पे। ये है अभी धारावी गोल्डफील्ड साइड, यहाँ पर ये सबसे प्यारी गणपति बिठाई गई है, श्री बाल गोपाल मित्र मंडल काला किला व्यापारी सन। ये पल्स बिल्डिंग के जो है पल्स रेसिडेंसी, उसके नीचे देखने मिलेगा आपको। डेकोरेशन इन लोग ने भी बहुत हार्ड किया है, धारावी छा युवराज के बाद अभी मेरे को ये डेकोरेशन ज़्यादा पसंद आया। तो गाइस सो इन लोग का डेकोरेशन गाइस अभी थोड़ा और बाकी है, और इन लोग ने देखो आज के जनरेशन के ऊपर बनाया है, बाल गोपाल कृष्णा देन गौरी गौरी माता देन एक्सेट्रा। ये देखो गाइस पूरा आज के लाइफ के ऊपर बनाया है इन लोगों ने। नाइन्टी फीट का रोड का रास्ता बता, धारावी से क्या है भाई, ये धारावी से महाराज कितना साल हुआ, 58। डेकोरेशन बाकी है ना, सो गाइस गोल्डफील्ड केला बगार मैंने पूरा कवर किया, 90 फीट रोड मैंने पूरा कवर किया, कुंभरवाड़ा किया, अब अभी मुकुंद नगर देन दोरवाड़ा फिर माहिम फिर वहाँ से जो बीच के एरिया है जैसे कि संत ककाया मार्ग और बहुत सारे प्लेसेस है, वो सब पूरा ब्लॉग देखो गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ा। मैं ज़्यादा गणपति एक्सप्लोर नहीं कर रहा क्योंकि लास्ट टाइम मुझे दो पार्ट बनाना पड़ा था और बहुत लंबा हो चुका था ब्लॉग। हाँ जी भाई, और सॉरी अगर किसी को बुरा, किसी का मंडल को मैंने कवर नहीं किया हो तो उसके लिए सॉरी, बट मैं जो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है वैसे गणपति को ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा हूँ इस बार में। सो जाते हैं अभी मुकुंद नगर साइड, बड़ी बड़ी गणपतियाँ देखने, और यहाँ पर धारावी में तो इस बार बहुत प्यारी प्यारी गणपति बिठाया है लोगों ने, हो सके तो मैं उन लोगों को भी कवर करूँगा। ये है धारावी सा मोरेश्वर 25th ईयर सेलिब्रेशन, यह आपको ठीक ONGC गोल्डफील्ड के सामने वाली गली में देखने मिलेगा। यहाँ पर दो गणपति बिठाई जाती है, एक आपको लेफ्ट साइड में देखने मिलेगा और एक यहाँ पर देखो राइट साइड में। ये एंट्रेंस है इसका, यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे तो आपको धारावी सा मोरिया देखने मिलेगा जो बहुत ही सुंदर बिठाया है इन लोगों ने, कमल फूल के ऊपर बिठाया है धारावी छा मोरिया। उसके बाद धारावी छा मोरेश्वर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में धारावी छा मोरिया। ये देखो गाइस इन लोग गली के अंदर बिठाए भाई, आपको यहाँ पर आने के लिए सबको, आप सभी को यहाँ पर आना ज़रूर पसंद आएगा क्योंकि गली में बिठाया है और बहुत छोटी गली है। इसका एड्रेस सही से नोट कर लो, धारावी गोल्डफील्ड रोड ONGC के ठीक सामने, धारावी छा मोरिया धारावी छा मोरेश्वर लेफ्ट साइड में बिठाया जाता है। गाइस इन सब इनका पेज है, धारावी छा मोरिया और धारावी छा मोरेश्वर, दोनों 25 ईयर्स बाद देख लो, आओ और विजिट करो। देन यहाँ से हम लोग जाएंगे मुकुंद नगर, राइट मारा, अब यहाँ से देखो गाइस गणपति लाइन से 5-6 गणपति बिठाई गई है PMG कॉलोनी साइड। सो ये है धारावी पिंपल छा राजा जो आपको ठीक ONGC गेट नंबर 4 साइड में देखने के लिए मिलेगा आपको। उसके बाद आता है ये देखो गाइस, ये कम से कम 25-26 फुट से ज़्यादा बड़ी है। डेकोरेशन सबका सिंपल है, अभी तक हुआ नहीं है, बट ठीक है, मैं पहले दिन ही आ गया सबका व्लॉग बनाने, तो ऑब्वियसली बहुत सारे जन का डेकोरेशन तो हुआ नहीं होगा। बट देखो गाइस बहुत बड़ी बड़ी गणपति आपको अगर देखना हो धारावी में तो एक लेबर कैंप साइड में दिखाता हूँ, और दूसरा ये हो गया, तो यहाँ पर आके आप विजिट कर सकते हो मुकुंद नगर खाड़ी साइड। फिर ये आ गया धारावी श्रीपति, धारावी श्रीपति गाइस, ये देखो माउली नीचे लिखा हुआ, इनका डेकोरेशन भी बहुत अच्छा है धारावी श्रीपति, और बहुत पतली गली में इन लोग ने बिठाया गाइस। तो आपको इसमें आने के लिए BMC ऑफिस ढूंढना पड़ेगा, धारावी पोस्ट ऑफिस के सामने है। ये देखो यहाँ पर इन लोग ने छत्रपति शिवाजी महाराज देन यहाँ पर धारावी श्रीपति ये सब बिठाया। आपको PMG कॉलोनी में देखने मिलेगा, और
ये देखो गाइस, इनका हमेशा सिंहासन पे विराजमान होता है, इन्होंने बताया था। इसके बाद हम कवर करेंगे मुकुंद नगर की सबसे प्यारी गणपति गाइस, जो धारावी से मौर्या है। देखो ये इतने गली में इन लोग गणपति बिठाते हैं। देखो मैं वॉक कर, देखो गाइस अर्धनारी का रूप में इन्होंने बिठाया है, और बहुत ही पतली गली में गणपति बिठाई जाती है अर्धनारी के रूप में। इसके बाद ये कैसे कल्पतरु बिल्डिंग के पीछे ठीक ये वाला में बहुत बड़ी बड़ी गणपति बिठाई जाती है गाइस यहाँ पर, बहुत प्यारी गणपति बिठाई है यहाँ पर। आगे से ब्लॉक था करके मैं दूर से कैप्चर कर पाया। देन इसके बाद हम जाएंगे गाइस शास्त्री नगर। उसके बाद ये देखो गाइस जो मुझे सबसे खतरनाक लगा है, धारावीचा गजवक्र, जो आपको है ना गाइस ठीक शास्त्री नगर में मिलेगा देखने, धारावीचा गजवक्र गाइस, बहुत प्यारी गणपति है गाइस, बहुत प्यारी, मतलब मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली गणपति धारावी में ये और धारावीचा युवराज। देन आगे धारावीचा सुख करता, धारावीचा गजवक्र, और अभी बचा है धारावीचा सुख करता और बाल गोपाल मित्र मंडल। ये धारावीचा सुख करता नाम तो सुना ही होगा गाइस, ये हमेशा बड़ी बड़ी गणपति बिठाई जाती है 22 फीट 25 फीट ए साइज में, धारावीचा सुख करता। ये आपको यहाँ पर आने के लिए मुकुंद नगर से भी आ सकते हो, जो कि होली मैदान साइड से आना पड़ेगा, और वहाँ आप 90 फीट से भी आ सकते हो, जहाँ से आपको 3-4 गणपति और देखने मिलेगी। धारावीचा सुख करता, धारावीचा गजवक्र, धारावीचा सम्राट एक्सेट्रा। सो गाइस अब यहाँ पर से सीधा जाएंगे शास्त्री नगर से होली मैदान से सीधा धोरवाड़ा साइड, जहाँ पर धारावी का वर्ध विनायक बिठाया जाता है, जहाँ पर धारावी के वर्ध विनायक का विराजमान है। अभी का ये मित्र मंडल, बाल गोपाल मित्र मंडल डेकोरेशन, आज पहला दिन है डेकोरेशन वन। यहाँ से सीढ़ी ज़्यादा, हमेशा यहाँ से सीढ़ी जाके यहाँ से एंट्री होती है, हम लोग नीचे से जाते, और ये रहा है इसका एंट्री। धारावीचा धारावीचा वर्ध विनायक के जस्ट बाजू में मिलेगा आपको क्रांति मित्र मंडल देखने के लिए गाइस। ये इधर भी बड़ी बड़ी गणपति बिठाई जाती है गाइस, ये है हमारे एक दिव्य सेवा मंडल, और हमारा घर भी इधर ही आसपास ही है। तो घर छोड़ो, यहाँ से रास्ता दिखाता हूँ गाइस, वो रास्ता नोटिस रखना। तो आप अगर विजिट करना आ रहे हो धारावी से, तो ये आता है कामराज स्कूल से, कामराज स्कूल से लेफ्ट मारोगे तो ये रोड आएगा, यहाँ पर आपको ये देखने मिलेगा। यहाँ से आप अगर सीधा जाओगे तो धारावीचा वर्ध विनायक, धारावीचा सुख करता देखने मिलेगा, और मुकुंद नगर का रास्ता है। धारावीचा मनाचा राजा, धारावीचा मनाचा राजा। सो गाइस वी आर लेबर कैंप धारावीचा एकता राजा। सो अभी हम लोग लेबर कैंप में, जैसे कि मैंने बताया एकता राजा धारावी, धारावीचा एकता राजा गाइस, यहाँ पर कम से कम 23 से 24 फीट तक की गणपति बिठाई जाती है लेबर कैंप 60 फीट में। ये देखो गणपति बप्पा जो एक फीस के ऊपर विराजमान है, और यहाँ पर मुंबई चा वक्रतुंड, जो धारावी चा वक्रतुंड लेबर कैंप में पड़ता है, इसका भी गाइस 24-23 फीट तक का कुछ हाइट है। और डेकोरेशन सिंपल एंड क्लासिक है, कमल के ऊपर स्टैंड है, मतलब कमल के ऊपर खड़े है। देन यहाँ पर आता है, ये देखो गाइस सामने है धारावीचा एकता राजा, देन धारावीचा वक्रतुंड, देन इसके बाद आता है धारावीचा एकदंत, जो कि गाइस 60 फीट रोड लेबर कैंप के ठीक सामने पड़ता है आपको। ये देखो धारावीचा एकदंत, मुंबईचा एकदंत 60 फीट रोड, आज जैसे आओगे ना गाइस लेबर कैंप में, जस्ट लेफ्ट साइड में आपको देखने मिलेगा। और बिलीव करो गाइस, धारावी में इतनी बड़ी बड़ी गणपति बिठाई जाती है ना, कि खेतवाड़ी भी फेल नहीं है, बस खेतवाड़ी को टफ देते हैं। और आगे जाएंगे ना गाइस, तो चेन बॉयज माटुंगा साइड पड़ता है, तो मैंने वो सब कवर नहीं किया है। तो ये है गाइस आपको धारावी 90 फीट रोड पुलिस स्टेशन के जस्ट बिहाइंड में मिलेगा, धारावीचा युवराज के जस्ट बाजू में। सो गाइस इनका 46 ईयर कंप्लीट हुआ है, और बहुत प्यारी गणपति बिठाई है, और बहुत मतलब बहुत यूनिक बिठाया है, जो हनुमान भगवान के ऊपर बिठाया है, राम भगवान के जैसा लुक दिया है गाइस, बहुत प्यारी गणपति है।
आप भी यहाँ पर आके विजिट करो। डेकोरेशन में थोड़ा इनको प्रॉब्लम हुआ क्योंकि जो इनके वर्कर थे वो आए नहीं थे इसके वजह से, बट गाइस सीरियसली बता रहा हूँ बहुत सुंदर गणपति, बस डेकोरेशन में थोड़ा मात कर रहा है बट बहुत प्यारी गणपति है। सॉलो गाइस इट्स सॉलर, ये ब्लॉग यहाँ पर एंड करता हूँ। गाइस मैंने धारावी की पूरी गणपति मैंने कवर की है, पूरी नहीं बट थोड़ी बहुत सारी गणपति मैंने कवर नहीं की है क्योंकि गाइस कैसा पता है अभी मैं पूरी मतलब कवर करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। अभी देखो कवर करते करते मुझे कितना टाइम हो गया, 5:07 PM, अभी मुझे सोना है, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ गाइस। और कैसा पता है धारावी की मैंने बहुत सारी गणपतियाँ कवर की और बहुत सारी नहीं भी की है क्योंकि गाइस कैसा है मतलब जो ज़्यादा अट्रैक्टिव और जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब बहुत बड़े बड़े गणपति मैंने दिखाए हैं क्योंकि ब्लॉग अगर मैं सब दिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसके लिए बुरा मत मानना, किसी को बुरा लगे तो सॉरी बट जिसका मैंने कवर ना किया हो उसको सॉरी बोलता हूँ, बट प्लीज़ नेक्स्ट टाइम मैं मेरे पूरे ब्लॉग में कवर करूँगा। और मिलता हूँ मेरे न्यू ब्लॉग के साथ।